मध्य प्रदेश की देवास पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। नकली पुलिस बनकर 55 लाख रुपए की लूट करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह को देवास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने पत्रकार वार्ता के दौरान इस मामले का खुलासा किया है। एसपी ने बताया कि आरोपी देवास नगर निगम के वायरलेस सेट लेकर पहुंचे थे ताकि लोग उन्हें पुलिस समझे। आरोपियों द्वारा नकली पुलिस बनकर मेन पैक सेट वायरलेस सेट लेकर चार्टर बस में 10 नंबर की सीट पर बैठे फरियादी अनिल कुमार सोनी को रुपए से भरे बैग सहित बस से उतार कर अपने साथ उज्जैन ले गए। बदमाशों ने फरियादी से रुपए लूट कर उसे छोड़ दिया। इस मामले में कुल 9 आरोपी शामिल हैं और 2 आरोपी अभी भी फरार है। शातिरों द्वारा लूटा गया पैसा सतना के सोने चांदी के व्यापारी का था, जिसे मुनीम सतना से इंदौर लेकर जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उज्जैन और देवास के हैं। लूटे गए पैसों में से आरोपियों ने 7.5 लाख रुपए एक राजस्थान के सांवरिया सेठ मंदिर में भी चढ़ाए थे। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है। आरोपियों में एक देवास नगर निगम का कर्मचारी योगेश राठौर भी इस गिरोह में शामिल है। पकड़े गए आरोपियों में मनदीप राठौर, नरेश तोमर, सरबजीत, योगेश और नीलेश शामिल है। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल आर्टिका कार और 8 लाख रुपए की कीमत का वायरलेस सेट भी जब्त किया है। एसपी ने बताया कि बस में लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस आरोपियों तक पहुंच सकी है। एसपी चंद्रशेखर सोलंकी ने सराहनीय कार्य करने पर पुलिस टीम को 10,000 रुपए का इनाम भी दिया है। सर, ये बताए, ये जो एक बड़ी लूट की वारदात का आज आपने खुलासा किया, नकली पुलिस बनकर ये वारदात को अंजाम दिया गया था, क्या पूरा मामला, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? देवास पुलिस के सदर हर दरवाजा में दिनांक 23 अक्टूबर को सूचना प्राप्त हुई, जिसमें फरियादी अनिल ने, जो कि शाह सोने की व्यापारी है सुधरा के, में उनके द्वारा बताया गया कि नकली पुलिस बनकर कुछ लोग आए और उन्होंने, दो लोग आए, उन्होंने बस के अंदर जाकर उस व्यक्ति को बस से अंदर उठाते हैं, उसकी इस फरियादी की निशानदेही पर तत्परता से नाहर दरवाजा पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध किया। एडिशनल एसपी जगदीश जाबर, डीएसपी किरण शर्मा और संबंधित थाना प्रभारी की टीम बनाई गई। टीम ने इसमें लगातार कार्रवाई करी है और कार्रवाई करने पर 55 लाख रुपए से भरा हुआ जो बैग लूटा गया था उसमें से 38,50,000 रुपये पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। एक अर्टिगा जब्त की है, साथ में 8 लाख का मेन बैग जब्त किया है। 6 आरोपियों को इसमें मोबाइल भी जब्त किए हैं। कुल 9 आरोपियों के द्वारा घटना की गई है। 7 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। इतने अधिक रुपए ले जाए जा रहे थे सतना से इंदौर, इस पे भी, इस 3 तथ्यों पर भी जांच की जाए। अभी पुलिस का पहला विषय यह था कि जो 55 लाख लूटे गए हैं उनको जब्त किया जाए, आरोपी को अरेस्ट किया जाए, जो विषय आपने मेरे संज्ञान में लाया है, संबंधित एजेंसी को बताया जाएगा और उसका भी इस संबंध में भी अग्रिम कार्रवाई, इन्वेस्टिगेशन की राशि मंदिर में भी चढ़ाने की बात सामने आई। हाँ, ऐसा तथ्य प्रकाश में आया है। आरोपियों ने कहा है कि 7.5 लाख के आसपास की राशि हमने सांवरिया सेठ का जो मंदिर है राजस्थान में, वहाँ हमने दान पेटी में डाल दी। अभी उनका बताया होता है कि इसकी हम जाँच करेंगे और यदि सही पाया जाएगा तो संबंध में अलग से इन्वेस्टिगेशन इसको दर्ज करेंगे। JBD banquets lie hai. Incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।